सभी YouTube देखने वालों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जन कल्याण के लिए पेट में कीड़ों के इलाज के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत ही सरल जानकारी देंगे। पेट में कीड़े होने के कारण, लक्षण और बहुत ही आसान से घरेलू असरदार नुस्खे भी बताएंगे। पेट के कीड़ों को आंतों के कीड़े और परजीवी कीड़े के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पेट में कीड़ों का होना एक कॉमन समस्या है। यह समस्या छोटी बड़ी उम्र में किसी को भी हो सकती है। खासकर यह समस्या 3 से 15 साल तक के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण है बच्चों की सेहत के प्रति सफाई का ध्यान न रखना। बच्चों के पेट में 3 तरह के कीड़े पाए जाते हैं, हुक वर्म, विप वर्म और राउंड वर्म। ये 3 तरह के कीड़े होते हैं। ये कीड़े बच्चों की शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े हैं या नहीं, इस बात का पता कैसे चले? तो इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे बच्चे की त्वचा पर हल्के हल्के चकत्ते का होना और रात को सोते समय बच्चे के मुंह से लार का बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना, वह सुबह के समय बच्चे का तकिया लार निकलने की वजह से गीला हो जाना। छोटे बच्चे के पेट में कीड़े होने से बच्चा जब मल द्वार यानी गुदा पर बार बार खुजली करने लगता है, इसलिए जब छोटा बच्चा बार बार मल द्वार पर खुजली करें तो समझना चाहिए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसके अलावा रात को नींद में बच्चा यदि दांत कटकटाने लगे, जिसको आम भाषा में दांत पीसना कहते हैं, यह भी पेट में कीड़े होने का ही लक्षण है। यदि समय रहते पेट के कीड़ों का इलाज नहीं करवाया तो ये कीड़े आंतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पेट के किसी अन्य अंग में भी संक्रमण पैदा कर सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर बच्चों में खून की कमी हो जाती है और इससे बच्चे कुपोषण व मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। पेट में कीड़ों की वजह से बच्चे की पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे का शरीर चुस्त व दुरुस्त नहीं रहता और बच्चे के मानसिक विकास में रुकावट आने से मानसिक एकाग्रता भी नहीं रह पाती है, जिसके कारण बच्चे के पढ़ने लिखने पर भी बुरा असर पड़ता है। पेट में कीड़े होने के कारण बच्चे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो आंत में मौजूद ये कीड़े भोजन के पोषक तत्वों को खा जाते हैं और बच्चे के तन को भोजन का फायदा नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से बच्चे में कमजोरी आने लगती है, बच्चा थका थका सा रहने लगता है और बच्चे में खून की भी कमी होने लगती है। तन को खाया पिया लगता नहीं, जिस वजह से बच्चा दुबला पतला रह जाता है और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ पाता है। बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन व बेचैनी सी रहने लगती है, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। बच्चों के पेट में कीड़ों की रोकथाम के बारे में इन छोटी छोटी बातों की जानकारी होना माता पिता के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के नाखून समय समय पर काटते रहें, पीने का पानी हमेशा छानकर व उबालकर पिलाएं, भोजन करने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, नंगे पैर बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दें और घर में प्रवेश करते ही बच्चे के हाथ व पैर अच्छी तरह से धोएं, बाथरूम जाने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह साफ करें और टॉयलेट सीट को हमेशा साफ रखें तथा बच्चे के पहनने और ओढ़ने के कपड़े साफ़ सुथरे रखें। साथ ही साथ बच्चे को मीठा कम से कम खाने दें, जिससे दांतों और पेट के कीड़ों की समस्या से बचा जा सके। इस
इस तरह से छोटी छोटी बातों की सावधानी रखने से बड़ी समस्या से बचाव कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको पेट के कीड़ों के इलाज के बारे में कई सारे आसान से घरेलू नुस्खे बताएंगे। आपको जो भी नुस्खा सरल लगे उसी नुस्खे का आप प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठते ही बच्चे को 15 ग्राम गुड़ खिलाकर 10 से 20 मिनट तक आराम करवाएं। इससे आंतों में चिपके हुए सभी कीड़े निकलकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और फिर बच्चे को आधा ग्राम अजवाइन का चूर्ण बासी पानी के साथ सेवन करवाएं। ऐसा करने से आंतों में मौजूद सभी तरह के कीड़े एकदम से नष्ट होकर मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। छोटे बच्चों की गुदा में कभी कभी कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में हींग को पानी में घोलकर और उसमें साफ स्वच्छ रुई का फोहा भिगोकर गुदा पर रखने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। करी पत्ता पेट के कीड़ों को नष्ट करने में काफ़ी असरदार है। 3 करी पत्तों का पाउडर बनाकर उसे सुबह खाली पेट रोज़ाना सेवन करें पानी के साथ। इससे भी पेट के कीड़े निकल जाते हैं। प्याज का रस 1-1 चम्मच की मात्रा में 3-3 घंटे के अंतराल से पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। खाली पेट लाल टमाटर पर काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक या काला नमक लगाकर खाने से पेट के सभी कीड़े मर जाते हैं। 1 गिलास अनार का जूस रोज़ाना पीने से भी पेट के कीड़ों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण छाछ के साथ मिलाकर पीने से भी पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सुबह 1 गिलास गाजर का जूस पीने से भी पेट के कीड़े मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अजवाइन का आधा ग्राम चूर्ण लेकर संभाग गुड़ में गोली बनाकर दिन में 3 बार खिलाने से भी सभी प्रकार के पेट के कीड़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। इन सभी नुस्खों को 7 से 21 दिन तक प्रयोग करने से पेट के कीड़ों की समस्या ठीक हो जाती है। एक साथ सभी नुस्खों का सेवन नहीं करना है। ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।